हिमाचल में भीषण गर्मी इन दिनों अपना कहर भर पा रही है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते पारे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों की समय सारणी में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बीते कई दिनों से गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों के लिए हीट स्ट्रोक का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों की समय सारणी में बदलाव करते हुए स्कूलों को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा बच्चों को पानी पीने के लिए 5-5 मिनट के 2 स्पेशल ब्रेक देने के सभी जिला शिक्षा उपनिदेशकों को आदेश दिए गए हैं। हमने आज ये ऑर्डर किया है कि जनरलाइज्ड सा ऑर्डर है, जिसमें ये कहा गया है कि कंसर्न्ड डिप्टी डायरेक्टर उन जिलों के अपने इलाके की उस एरिया की कंडीशन को देखते हुए टाइमिंग जो बच्चों का स्कूल जाने का है उसको 7:30 बजे से 1 बजे तक उसको कर दें। और एक और ख़ास बात हमने इसमें लिखी है कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे पानी कम पीते हैं, तो 2 इनको पानी पीने के लिए स्पेशल ब्रेक्स दी जाएं, चाहे वो 5 मिनट 10 मिनट या जितना भी उनका टाइम लगता होगा पानी पीने का। हो सकता है ब्रेक में वो क्लास में ही पानी पिला दें, क्लास में ही पिला दें, लेकिन बच्चों को कंपलसरी 2 ब्रेक्स उनको देने को हमने कहा है।